अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, वॉइस ओवर वीडियो के साथ। ये मेरा थर्ड वॉइस ओवर वीडियो है और इसमें हम लिविक का एक मैच खेलेंगे। बाकी जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यस, और बेल आइकन को ऑल पर कर दो। तो जी हम लैंड हो जाते हैं अपने ये साइंस सेंटर में, जो कि यहाँ का हॉट ड्रॉप है। एक ही हॉट ड्रॉप है और एक विलेज हॉट ड्रॉप है। मैं यहाँ पे लैंड होता हूँ तो इतने बंदे यहाँ पे लैंड नहीं होते हैं, भले एक दो बंदा यहाँ पे लैंड होता है, दो दूसरी तरफ भी होते हैं। तो मैं आता हूँ, एक बंदे का मुझे साउंड आता है और मैं उसको एक दे के फिनिश कर देता हूँ, खाई प्रो प्लेयर की तरह। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी लूट करता हूँ और ऊपर जाता हूँ, और मैं वो कुछ पार्ट्स अंदर मैं स्किप कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बंदा बोर ना हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकन पार्ट्स होते हैं। तो मैं उनको ख़त्म डायरेक्ट ख़त्म कर देता हूँ, फाइट पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे हील लगाता हूँ, उसके बाद मुझे नीचे से भी एक साउंड आता है। तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, मुझे आइडिया होता है सामने से आया तो मैं फ्री फायर में उसको ले जाता हूँ। उसके पास शॉट गन होती है, ये ओ भाई देखो कैसे शॉट गन मार रहा है। और एक बंदा इसका इस साइड से कहीं से आता है, लेकिन वो पीछे रुक जाता है, लेकिन मैं बाद में वो दोबारा आगे आएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो सही प्लेयर होता है, ऐसे अरबी होता है, पता नहीं वो क्या उधर लूट करने आ जाता है, उसे पता भी है मैं यहाँ पे हूँ। तो होते रियल है, मेरी ज़्यादातर लोबी ना अरबी आती है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी लोबी कम ही खेल रहा होता हूँ, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता हूँ तो ज़्यादा चांस होता है अरबी लोबी आने का। लेकिन यार अरबी लोबी का फ़ायदा ये है कि यार कैंप नहीं करते, पाकिस्तान में कैंप बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह ये बेचारा भी, ये देखो ये भी कोई अरबी टाइप बन नहीं है, पता नहीं कहाँ का रहने वाला है। तो पाकिस्तानी भी अंदर प्लेयर होते हैं, बाकी अरबी भी होते हैं। अरबी के साथ खेलने का ही मज़ा यार, वो फाइट लेते हैं, कैंप नहीं करते हैं। पाकिस्तान से कोई हेट नहीं है यार, अब क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी लोग जो है ना अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कैंप ज़्यादा करते हैं, बहुत कम होते हैं जो अच्छा खेलने वाले होते हैं। इतने में मुझे आगे से साउंड आता है और मैं जाता हूँ, देखता हूँ विलेज के अंदर कहाँ मुझे बंदा मिला है। तो मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, मैं इसको लेट के स्प्रे देता हूँ और ये जी नॉक कर दिया हमारे अहमद भाई को, हमने नॉक किया और फिनिश भी कर दिया। उसके अलावा भी शॉट्स इधर चल रही होती हैं, तो सॉरी अभी फिनिश कर दिया नहीं, अभी करूँगा यार। ये देखा, मुझे समटाइम आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, तो बहरहाल मैनेज कर लिया और यहाँ पर हमने अपने अहमद भाई को कर दिया फिनिश। और इतने में मुझे थोड़ा सा साउंड पीछे वाली साइड से भी आता है, हेडफोन के अंदर अक्सर आ जाता होता है। तो मैं यहाँ से पीछे को आ रहा होता हूँ और बंदा जो है ना, आप देखना कहाँ पर होता, बिल्कुल वहाँ ऊपर आता है। उसके कपड़े मुझे समझ ही, पहले कलर नहीं नज़र आता कपड़ों का, तो एकदम से जैसे फायर देने का, तो मैं भी उसको दिए भी रिफ्लेक्स MCG स्टीव। तो ये भी हमारे भैया पाकिस्तानी नहीं है, ये भी कोई बाहर के हैं, तो इनको हम फिनिश करते हैं। बाद में इसकी पेटी छोटी लूट के हम आगे में ट्रक को उठाते हैं और आगे आते हैं। आगे फाइट फाइट हो रही होती है और साउंड आता है अपनी, मैं गड्डी को पीछे लगाता हूँ, गड्डी नहीं हमारा मॉन्स्टर है, अपने मॉन्स्टर को पीछे लगाते हैं और इसको मैं स्पॉट करता हूँ और एक तगा के नॉक देता हूँ कान के नीचे, और ये लजी ये नॉक गया। और इसका बंदा एक दूसरा थोड़ा सा आगे होता है रिच के, वो बेचारा मुझसे बच जाता है, ये देखना कैसे वो बचता है। वो एकदम से सारा रिच के ना नीचे चला जाता है, ये देखना है, ये ओ गया रिच के नीचे। तो SMG का यही होता है, SMG का थोड़ा आगे पीछे करके फायर देना पड़ता है, क्योंकि गोलियाँ जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग रेंज की नहीं होती, तो वो थोड़ा टाइम लेती है वहाँ तक पहुँचने के, इसलिए उसको आगे पीछे रख के मारना होता है। ये मैं आपको बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे जब मैं आगे एक स्प्रे दूँगा वहाँ पर ऐसा आपको पता चलेगा क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पे बादल मैं एक नेट को कुप करता हूँ पीछे जाके, ताकि उसे साउंड ना आए, उसे वाकई साउंड नहीं आता। और मैं नेट करता हूँ लेकिन वो नेट थोड़ा आगे जाके फटता है और बेचारा बच जाता है। मैं दूसरा नेट निकालता हूँ, सोचता हूँ कि दूसरा नेट फोड़ो, तब तक वो मेरे ऊपर आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ नहीं, फाइट लेता हूँ, नेट छोड़ देता हूँ। तो मैं फाइट लेता हूँ, टीम 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 ये हमारे पाकिस्तानी भैया थे, BRS साइको नहीं स्पैरो मिस्टर जैक स्पैरो, क्योंकि ये हट जाते हैं, सॉरी हट जाते हैं कह रहा हूँ, इनको मैं फिनिश करता हूँ। और आगे से भी मुझे कोई फायर के साउंड आ रहे होते हैं, और इसने हमारे पाकिस्तानी भैया जिशान भाई को उड़ाया, तो हम कैसे इसको छोड़ दें भाई, इसने हमारे पाकिस्तानी बंदे को उड़ाया। मैं उसे मारूँ तो टेंशन नहीं है, तुम मर भी क्या हमारी लोबी आके खाली कर दो। तो मैं जाता हूँ उसको, मैं फ़ौरन से स्पॉट करता हूँ और ले भी कान के नीचे देता हूँ, और जैसे अनुमस भाई कहते हैं बकरा बनाया और लॉबी पहुँचाया वाला सीन। अभी मैं लॉबी नहीं पहुँचाऊँगा, अभी देखना मेरे साथ होता क्या। मैं यहाँ पे 1 HP होगा, इसका बंदा एक ऊपर रिच पे होता है जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो अभी ये मुझे 1 HP कर देगा, लेकिन शुक्र वो फायर रोक देता है। हालांकि मुझे वो मारता तो मैं शायद चला जाता, लेकिन वो फायर रोक देता है और मुझे चांस मिलता है। और वो AWM की शॉट मार रहा होता, ज़्यादा प्रो बन रहा होता अरबी, लेकिन अरबी को क्या पता आगे हम हैं। बाकी हम हील करते हैं और दोबारा से सोचते हैं वहाँ पे पुश करने का। अब देखना यहाँ पे मैं UMP का स्प्रे दूंगा, जो कि मैं बिल्कुल उसको AM रख के दे रहा था, हालांकि मुझे आगे रखना चाहिए था। देखा मैंने अभी थोड़ा सा आगे किया था, लेकिन तब तक वो नीचे चला गया था। ये मैं आपको बात कहना चाह रहा था, जब भी आप कहीं दूर UMP से या SMG से स्प्रे दो, तो थोड़ा सा बंदे से डिस्टेंस पर रख के दो, ताकि जब तक गोलियां वहाँ तक पहुँचे और उसके साथ आपस में कनेक्ट हो सके, एक डिस्टेंस बरकरार रखना पड़ता है।
तो मैं आगे जाता हूँ, मैं एक नेड करता हूँ और वो बेचारे मेरे नेट से बच जाते हैं और वो दोनों वो उसको रिवाइव दे चुका होता है। दोनों की बात करो, ये दो ही बच्चे होते हैं इसके बंदे, तो वो उसको रिवाइव दे चुका होता है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से पुश करना जो है ना फजूल है। मैं एक स्मोक करता हूँ यहाँ से सारे रिज के ऊपर, मैं जाने की कोशिश करता हूँ और मैं नीचे से क्या करता हूँ उसकी तरफ जाता हूँ। अभी मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि शायद निकलने के लिए नहीं निकलता और मुझे वहाँ पे फिर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं नीचे से फाइट नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि वो लोग कवर के पीछे थे और मैं ऊपर में था सारा। तो वो दोनों तरफ से निकल सकता था, एक उस साइड से और एक उस साइड से, तो मुझे चांस नहीं मिलना था उनको आने का। मैं ऊपर आता हूँ और मुझे एक थोड़ा सा नज़र आता है, मैं स्प्रे देता हूँ, मैं थोड़ी देर रैंडम स्प्रे देता हूँ स्मोक के अंदर शायद नोक हो, लेकिन अभी अगर जो नॉक निकलेगा ना उसके ऊपर आपने लाइक नहीं ना किया तो यार ये ना इंसाफ है, क्योंकि मैं रैंडम स्प्रे देता हूँ ब्लाइंड स्प्रे। और ये हमारे अरबी भैया जो दूसरी दफ़ा मेरे से नॉक हुए, जिन्होंने हमारे ईशान भाई को मारा था, हमने उनका बदला ले लिया। अभी मैं इनको फिनिश भी करूँगा दोनों बंदों को, और एक गिली सूट में होता है और एक दूसरा सिंपल होता है, तो मैं दूसरे वाले को नॉक करता हूँ। गिली सूट वाला नॉक नहीं होता, वो स्मोक कर देते हैं, तो मुझे भी स्मोक में मैं अंदर जाता हूँ। मुझे डर होता है कि भैया स्मोक से कहीं से भी निकला, लेकिन कैसे हमारे UMP के आगे अरबी भी नहीं टिक सकते। UMP गाइस उसके आगे ना अरबी भी नहीं टिक सकते, उसकी गोलियाँ ऐसे चिपकती हैं जैसे मक्खन मलाई हो। तो हम इनकी बारह लूट करते हैं, और जिसने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार मोटिवेशन के लिए, ऐसे ऐसे नए गेम प्लेस के लिए। तो हम लूट करते हैं और एक ही बंदा पीछे बचा होता, मुझे लगा शायद अब ये कोई बॉट बचा, अक्सर लेविक में सॉरी इसके अंदर नोसा के अंदर बॉट बच जाते होते हैं। तो मैं देखता हूँ तो वो बेचारा अपना मोटर व्हील और क्या नाम इसका फोर व्हील्स वो निकाल के भाग रहा होता। मैं UMP से वही से प्ले देता हूँ, फिर मैं एकदम फेक एम पे शिफ्ट करता हूँ और 10 करके हट पड़ता है, वो बेचारा भी हमारे हाथों से ख़त्म। तो गाइस ये था आज का गेम प्ले, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।